क्या आतंक का इलाज अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 से ही पूरा होगा? पूरे देश में अब यही आवाज उठ रही है कि बस बहुत हुआ, अब आतंक के सर्वनाश का टाइम आ चुका है। जम्मू से जयपुर तक अब यही आवाज उठ रही है कि अब भारत और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश में आतंक के खिलाफ उठ रही आवाज सरहद पार तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान को भी एहसास हो चुका है कि अब कश्मीर में छिपे आतंकियों के चिथड़े उड़ेंगे तो पीओके में भी आतंकियों की कब्र खुदनी तय हो गई है। पाक अधिकृत कश्मीर के पूर्व पीएम फारूक हैदर ने मान लिया है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है, इसलिए फारूक हैदर ने शहबाज शरीफ को आगाह किया है कि वो भी अपने आतंकियों को बचाने की तैयारी कर ले। सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मगर आतंकवाद है बेगुनाह जो अपने लिए मांगने गए थे शिवखोड़ी में, उन पे हमला किया गया। नेते लोग, हम सबको जो भी इस रियासत के लोग हैं, हमें इसे कंडेम करना चाहिए। दरअसल इस बार पीओके को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रियासी में हमला करने वाले आतंकियों में पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक शामिल हैं, जिन्हें पीओके के लॉन्च पैड में ट्रेनिंग दी गई थी और यहीं से आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे और फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। एनआईए को रियासी हमले की जांच के दौरान कई जानकारियां हाथ लगी हैं। एनआईए के मुताबिक आतंकियों के पास हथियार कम थे, इसलिए उन्होंने घात लगाकर ड्राइवर पर निशाना लगाया, जिससे ड्राइवर गाड़ी से नियंत्रण खो दे। आतंकी चाहते थे कि बस में मौजूद सभी श्रद्धालु मारे जाएं, इसलिए आतंकियों ने हमले के लिए ऐसी जगह चुनी जहां से आतंकियों ने 40-50 राउंड फायरिंग की और उसके बाद बस सीधी 200 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हमारे घर के हमारी औरत थी, हमारी औरत थी और हमारे सारे एक लड़का था और उसकी बहू थी, एक लड़की थी। मेरे परिवार से कोई बातचीत नहीं हो पा रही, मेरे फैमिली से 17 लोग गए थे, जो कि 4 लोग उस हमले में घायल हुए हैं, उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में है इतना सुनने में आ रहा है, उनकी भी हालत सीरियस है चारों की। पूरा मतलब एक परिवार है जो यहाँ से गया हुआ था वहाँ पर माता के दर्शन के लिए, जो भी उन्हें आवश्यक सहयोग की चाहिए वो सभी सहयोग उन्हें मुहैया कराई जा रही है। बाकी जितने 13 लोग हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं, टोटल 17 लोग थे ये लोग। जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है वहाँ सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा कर्मियों की 11 टीमें बनाई गई हैं। खोजी कुत्तों के साथ ही ड्रोन की मदद से पहाड़ और जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सर्च टीम्स हैं वो बाहर हैं, कुछ एरियाज को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ स्केप रूट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईवली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं उसके चलते हमने 2 एक्सीस पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है। रियासी में आतंक के गुनहगारों का हिसाब होने में कुछ ही वक्त बचा है। सेना के जवानों की गोलियां आतंकियों का सीना चीरने के लिए तैयार हैं। ड्रोन की नजर से आतंकी कब तक बच पाएंगे, उनका खात्मा तो तय है।